मिलने मुजफ्फरनगर और हरियाणा दोनों टीमें बहुत ही मजबूत और अपने पुल में बढ़िया यहां पर जो लड़ाई है वर्चस्व की पहले स्थान प्राप्त करने की। दोनों टीमों ने अच्छा गेम शो किया इस पूरे श्रृंखला में बहुत, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सूरज देवता का आगमन हो चुका, दर्शकों के लिए राहत की सांस। पहले सर्विस हिमांशु पांच नंबर विकेट में उन्होंने खूबसूरत हाथ रखा, क्या बात है, जहां से कल छोड़ा था वहीं से आज मुजफ्फरनगर के खिलाड़ी आरवी सैनी ने शुरुआत की काउंटर अटैक, पहली पॉइंट अपनी टीम को दिलाया। मुजफ्फरनगर एक हरियाणा जीरो। तो ये जो लड़ाई है सम्मान की लड़ाई है, जो टीम इसमें से जीतेगी टॉप जो पुल बना है उस पुल में पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। बड़े भैया आलोक राज जी आप हमारे आयोजन करता है से तुरंत त्वरित संपर्क करें। तो मुजफ्फरनगर ने यहाँ बढ़िया शुरुआत की है, सर्विस सेंस कराने में कामयाब हरियाणा की टीम। दर्शकों से गुजारिश है ये भारी गोल्डी मैच देखने को मिल सकता है, वो आता देखते ही उतना ही एक नंबर जर्सी का सहेस नाम का एक खिलाड़ी अपना दर्शक लहराता है। तो दोस्तों ये मुकाबला मुजफ्फरनगर दो हरियाणा दो और फिर अंडर प्लेस बन सके और ब्यूटीफुल हैंड बाय मुजफ्फरनगर नाउ 3-2 तीन दो का स्कोर हिमांशु टीसा। हिमांशु अच्छी तरह से सही पास किया और ये संभाल लिया था वहां पर मुताबिक और काउंटर आए का नया शब्द हिंदी करने का शैली और ये आप इतने यहाँ पे दिलकश नजार पेश करता हुआ ये मुकाबला यहाँ पे तीन और वसीम अकरम और शाहिद खान दोनों लाजवाब स्कोर दोस्त हैं। हिमांशु बेहतरीन खेल दिखाया है इस पूरे मुकाबले में। तीनों से आप कह रहे हैं कि राजेश कुमार राय श्री श्रीराम ट्रेडर्स के मालिक हमारे बीच आ चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे है, दिलकश नजार पे करता हुआ यह मुकाबला प्रेम शंकर राय टेंडुलकर राय के मुकाबला कामयाब हो रहा है। हल्का सा जरूर आप वहाँ पे फिर तेज प्रहार किया, नतीजा ये हुआ कि अपने मिशन में कामयाब हुई हरियाणा। ये जबरदस्त जबरदस्त अंदाज में ये मुकाबला आपके सामने चल रहा है, तीन दो एक अच्छा मुकाबला आपके सामने चल रहा है। एक शब्दास ने अच्छी सर्विस जिससे भी पास किया और दिख रहे हैं कि हल्के से आगे सर उतारा था लेकिन पूरी कोशिश संभालने के लिए कामयाब नहीं है सभी चेंज। तो करंट के बाद का रहा है कि सुजीत साहब मोजीबुर रहमान सुशील त्रिपाठी और तिवारी सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं कि आप हमारे बीच श्याम बाबा सर्विस सभी चेंज और मैं आप दोस्तों
इनका भी अपना चैनल है जो किए बहुत बेहतरीन काम पर देते हैं कमलेश और अच्छा पास किया है और ये बहुत अच्छी सर्विस है और ये लवली सुशील पांडे और श्याम बाबा सुशील पांडे जी बताए या श्याम बाबा कौन टीम जीतेगी बड़ी सही कर दिए सती बात करें दोनों टीमों की तो वर्चस्व मिला रही है और कौन जीतेगा कौन हारेगा एक हफ्ते बाद तो दोस्तों ये एक सेट हो जाएगा उसके बाद की बहुत सॉरी होगी दोस्तों तो मैं चार और दो की सोच देख रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर चार हरियाणा दो बहुत तेज आक्रमक खेल खिलाड़ी थी हरियाणा मुकाबले में सर्विस यहाँ पे चेंज हुई एरर सर्विस दर्शकों आपका शुक्रिया जो वक्त निकाल कर यहाँ पे आ रहे हैं इस मैच में चार चार लगाने के लिए वो प्रेम शंकर राय को प्रणाम के लिए हमें तक कामयाब है कामयाबी सफलता की ये जमानत है कुछ ही सफलता की दर्शक यहाँ पे और ये प्लेयर नंबर आए लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लंबा समय से बैठे पॉइंट करने का आया हरियाणा तीन और चार तीन चार सुजीत सात पॉइंट में पूरा हरियाणा जलवा लिखे रहे हैं मुजीबुर रहमान सुशील तिरपन भी सुशील पांडे हम देख रहे हैं कि हम दबाए और ये शैलेश बहुत अच्छे अंदाज में अपने काम को अंजाम दिया चार बराबर दोनों टीम का स्कोर बराबर यहाँ पे चल रहा है बड़ा प्यारा मुकाबला यहाँ पे आपके सामने चल रहा है दोस्तों जबरदस्त ये दिलकश मुकाबला आपके सामने है एक मतलब फिर आए हिमांशु और अच्छा डिफेंड किया गया वहां पे अब देख रहे हैं कि ये अंडर मिट कर बैठे सर्विस चेंज हुई चार बराबर के स्कोर पे चार बराबर के स्कोर पे इस संरक्षक है प्रमोद कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष सत्यम राय उपाध्यक्ष शरद चंद्र राय रवीश राय उपेंद्र यादव आलोक राय ये आयोजन करता है हिमांशु और पीछे दास नाथ दिख रहे हैं कि इस मुकाबले को देखा जा रहा है और फिर देख रहे हैं अदीप और हिमांशु सर्विस चेंज चार बराबर के स्कोर पे हरियाणा चार मुजफ्फरनगर चार चार बराबर का स्कोर ये खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखा रहे हैं तो दोस्तों ये मुकाबला चार और चार पे खेला जा रहा है अक्रम वॉलीबॉल यूट्यूबर और मुर्शिद वॉलीबॉल यूट्यूबर पूरा लाइव इस वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं इसको कैद कर रहे हैं फिलहाल का सेट किया था वीर ने लेकिन ये शैलेश गुड प्लान किया वहां पे वीर सुशील तिवारी हमारे गांव के यूट्यूबर हैं और ये बहुत सारे वीडियो को अपलोड करते हैं और इनकी वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं हिंदुस्तान से बाहर भी इनकी वीडियो बहुत चर्चित है और यहाँ से पॉइंट सिक्स विनय कुमार मिश्र और पुराना बाबा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण जीतने वाले टीम को ₹500 के नाम दिया जाएगा ये रमेश भैया है नाम जमा कर लें विनय कुमार मिश्र पुराना बाबा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण संपायन मल्ल जी प्रधान ललितपुर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हिंदुस्तान ऑटो सेंटर मधुबन आपका ये वेलकम कर रहा है दोस्त मैं देख रहा हूँ कि ये पांच और छह का मुकाबला पांच छह का मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड पे एक बेहतरीन आज तो दर्शन हो रहा है सूरज का कल दर्शन नहीं हुआ था सूरज का आज दर्शन यहाँ पे हुई है सूर्य की किरणों का और ये अच्छी सर्विस थी सही पास किया गया और चतुराई के साथ कुछ करना चाहा अब क्रास कर रहे हैं क्रास जरूर किया लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्विस को चेंज करने में कामयाब छह और पांच के स्कोर पे ये मुकाबला चल रहा है बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला आपके सामने
दोस्ती ये मुजफ्फरनगर से हरियाणा पास अच्छा पास गया। काउंटर आए चैलेंज और बेहतरीन प्रहार, बिल्कुल एक लाइन का प्रहार कर रहे हैं। दर्शकों तक लंबा हजूम देखा जा रहा है, दर्शकों तक लंबा हजूम। मुजफ्फरनगर श्याम बाबा की फेवरेट टीम दोस्त है सुशील पांडे और श्याम बाबा, उनको पसंद आ गई ये टीम मुजफ्फरनगर। और ये स्मैश थर्ड लाइन का बेहतरीन प्रहार किया, 6-12 के स्कोर पे, 6-5 का स्कोर यहाँ पे है। बेहतरीन मुकाबला मैंने कहा यहाँ पे 12 नंबर ने बेहतरीन प्रहार किया था, ये 6-5 का स्कोर है। इन्होंने 6 अंदाज और फिर आप देख रहे हैं इसको संभालने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और 5 और 6 हरियाणा 5 मुजफ्फरनगर 6, एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चला है यहाँ पे। कुछ सोचते हुए खेल को दिखाना चाहेंगे और ये खराब सर्विस एरर सर्विस फॉल्ट। तो यहाँ पे दोस्त बहुत सारे लोगों का नाम हमारे बीच मौजूद है, मैं लोगों का वेलकम कर रहा हूँ, खैर मदद कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे बीच मौजूद हैं। और फिर लवली स्मैश बाइक का रन, लवली स्मैश सर्विस को चेंज किया हरियाणा। सब पॉइंट मलजीत प्रधान ललनपुर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है हिंदुस्तान ऑटो सेंटर मधुबन, आपका भी वेलकम दोस्त। इतने बड़े बड़े लोग दोस्त यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित लोगों को मैं सलाम कर रहा हूँ। और हिमांशु ने पेल जज किया, अच्छा जज किया यहाँ पे। प्रेम शंकर राय टुटुल राय का ये आयोजन काफी सफल रहा है, काफी सफल आयोजन रहा है यहाँ पे। और हल्के से पुश किया, पॉइंट करने में कामयाब, 7-5 का स्कोर। देखो उसका सर्विस थी, अच्छा पास किया गया और ये टच आउट जाने में कामयाब रहे हरियाणा 5 मुजफ्फरनगर 7। तो बिल्कुल ये खेल दोनों टीम के लिए चला है, एक जबरदस्त वृत्त यहाँ पे है, दोनों टीमों का संघर्ष जारी है, एक सही तरीके से अपने खेल को दिखा रहे हैं, सही तरीके से पास किया वहाँ पे। और ये हिमांशु, लेकिन वहाँ पे अच्छा डिफेंड कहा जाएगा हरियाणा का। और फिर कमल शैलेश जरूर थे, लेकिन आप दिख रहे हैं यहाँ पे आए हुए नंबर और ये अवे कर बैठे। नतीजा ये हुआ 6-7। दर्शकों आपका शुक्रिया, लेकिन इस गैलरी को छोड़ दें, कमेंट बॉक्स की गैलरी में ज्यादा लोग ना रहे तो बहुत बेहतर होगा। सही तरीके से मैंने कहा अपने खेल को दिखा रहे हैं 6-7। दर्शक आपका शुक्रिया कि आप जो इस पॉइंट में 4-4 लगा रहे हैं, अच्छा पास नहीं। और ये हिमांशु, नतीजा ये हुआ 7-7। दोनों टीम का स्कोर बराबर 7-7। दर्शक क्लैपिंग करते रहे, ताली बजाते रहे, स्कोर बराबर हुआ है 7-7। ताली तो बनती है, ताली बनती है लगभग 7-7 ऑल के स्कोर पे। तो ये तो फिर वहां पे दबाए गए जरूर। अब हरियाणा अपने गेम को शो कर रहा है, हल्का सा लेकिन गलती कर बैठे, बीट दे रहा है हरियाणा 1-7 8-7 का स्कोर। सोचते हुए अपने खेल को दिखाने की कोशिश तैयार होते हुए पीछे सर्विस और फिर आते हैं लंबा स्मैश कर बैठे अंपायर कैसा अभी अनुशेष। और ये सर्विस चेन टच आउट कैसा आया सर्विस चेन 7-8 के स्कोर पे। तो मुसरम भाई भी रही है, मैं देख रहा हूँ किस मुकाबले को, पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं खेल में। हिमांशु की अच्छी सही तरीके तो फिर आप देख रहे हैं कि अच्छा बचाव किया हुआ हिमांशु और हिमांशु की याद आया गया बेहतरीन डिफेंड लगातार दोनों टीम इधर से घमासान किए रहे। एक लवली स्मैश 12 नंबर का बड़ा प्यार प्रहार, एक और पॉइंट 8-8। दोनों टीमें यहाँ बराबर का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर अपने गेम को शो कर रही है, अपने खेल को दिखा रही है 8-8 के स्कोर पर। हिमांशु की यह सर्विस अच्छा पास किया गया और एक बार तो फिर आप देखें ये सर्विस को चेंज करने का कामयाब 8-12 के स्कोर पर।
8 बार के स्कोर पे ये खेल आपके सामने चला है। तो टीम में अपने पूल में टॉप पे कौन आएगी, अपने ग्रुप में टॉप पे टीम कौन होगी, इसी की लड़ाई है। लेकिन दर्शक का शुक्रिया, जब लंबा हजूम लंबा लंबा एक बड़ा क्राउड यहाँ पे आया है, बड़ी भीड़ यहाँ पे आई है इस इवेंट को देखने के लिए। 8 बार के स्कोर पे इस श्री अनंत देव राय आरती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय विद्यालय राजेंद्र नगर के प्रांगण में आए हुए दर्शकों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय पंडित श्याम सुंदर स्मृति वॉलीबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने वाले तमाम लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। राजेश कुमार राय, श्री राम ट्रेडर, जितने भी राजा बाबू नहीं आए हैं, राजा बाबू का इंतजार किया जा रहा है ग्राउंड पे कि आएंगे तो जलवा बिखेरेंगे। तो राजा बाबू की कमी जरूर कर रही है यहाँ के लोगों को कि अभी वो आएंगे तो मजा आए, आ गए। शुक्रिया राजा बाबू आए आ चुके हैं, तो उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप प्रॉपर अच्छी तरीके से सही तरीके से क्लास और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखा रहे हैं और ये सर्विस चेंज एट अगेंस्ट है 8 बार। बहुत ही अच्छे इंसान राजा बाबू, परवरदिगार ने सब कुछ संभाला है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन ऐसे लोग इतने सादगी पस्त वाले लोग कम मिलते हैं, जो सादगी मैंने उनकी देखी है। सुबह में उठकर अपने हाल की अपने घर की साफ सफाई करते हुए उन लोगों से बातें करते हुए ये बड़ा अच्छा लगा देखकर। राजा बाबू लोग परवरदिगार ने नवाजा है, लेकिन सादगी उनके अंदर खूब कूट के उभरी है। ऐसे लोग कम मिलते हैं समाज में कि गांव अपने प्रधान हैं, अपने बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े फार्मर भी हैं और दोस्त, लेकिन इतनी सादगी इतनी अच्छाई कम लोगों में मिलती है। राजा बाबू आपका धन्यवाद, आपके जो मेहमान नवाजी थी उसको मैं सलाम कर रहा हूँ। और यहाँ पे 8-9 का स्कोर है, 9 यहाँ पे मुजफ्फरनगर है जो श्याम बाबा की फेवरेट टीम है और 8 हरियाणा की, हरियाणा है और हरियाणा के छोरे क्या करेंगे, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे, चमके साथ अच्छी सर्विस दी, सही पास किया गया और वीर यहाँ पे लंबाई का पूरा फायदा हल्के से हाथ कर दिया। सुबह राय की याद आ रही है, वीर को देखकर सुबह राय जो सिर्फ प्लान और इस तरह से हल्के फुल्के से स्पेस दिया करते हैं, मुझसे मुंबई में बहुत मिलते हैं सुबह राय, उनकी याद आई वीर को देखकर बेहतरीन। और ये बेहतरीन यहाँ पर कर रहा हूँ कि अब ये ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वीर का नाम अगर महावीर रख दिया जाए और अच्छा होगा, कुछ भी कहा जाए दोस्त, वीर या महावीर, लेकिन खेल बहुत प्यारा दिखा रहे हैं वीर। 10 तरह खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे हिमांशु ने संभाला है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि एक बेहतरीन दोस्त ये सत्यम राय जो कोषाध्यक्ष है उनको देखकर मैं अक्सर कहता हूँ कि एक ही दिन है कितनी बार जीतोगे, एक ही दिन है यार कितनी बार जीतोगे। सत्यम राय और रवीश राय ये दो चेहरे ऐसे हैं और हिमांशु लव प्लेस में बाय हिमांशु 10 अगेंस्ट। दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम तालियां थोड़ा उत्साह वर्धन करते रहे खिलाड़ियों का। सही तरीके से हल्के से ग्राफ जरूर करना चाहा, आप देखा है कि यहाँ पे और ये 9-10 का स्कोर। राजा बाबू का इनाम आया, शुक्रिया राजा बाबू, धन्यवाद। जीतने वाली टीम को 500 रुपए के इनाम और तीनों कमेंटेटरों को भी इनाम हमारे काम यहाँ पे आया है राजा बाबू की तरफ से, शुक्रिया राजा बाबू जो आप इनाम यहाँ पे दे रहे हैं। सुजीत सांग रिपुंजय वर्मा 500 रुपए के इनाम जीतने वाली टीम को, रवि सुनिया ये सिंहासन विपिन जय वर्मा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी
₹500 की इनाम दे रहे हैं। मृत्युंजय वर्मा भी जीतने वाली टीम को, ये सिंहासन साहब ने ₹400 की इनाम आया है, 4 किलोमीटर जी, तो भी ये इनाम मिलेगा। राजा बहुत शुक्रिया कि कमेंटेटरों को भी इनाम मिलने लगा है। 9 और 11 हरियाणा मुजफ्फरनगर का और चतराई के साथ वहाँ पे लिखा है, तो जीतने वाली टीम को बड़ा इनाम यहाँ पे आ रहा है। दोस्त अजेंद्र राय सूरतपुर, हारने वाली टीम को ₹201 की इनाम, शाबाश, क्या इनाम आया दोस्त, नहले पे तहला है। हार जीत तो पार साहब गेम है, लेकिन खेलिए, जीतेंगे तो इनाम, हारेंगे तो कोई नाम। आनंद देव राय आरती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय ये बता रहा है, ये सफल आयोजन की एक मिसाल पेश किया है, एक उदाहरण दिया है कि ये सफल टूर्नामेंट है दोस्त, ये जबरदस्त खेल यहाँ पे सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ। और कमेंटेटरों को इनाम कौन देता है, यहाँ पे इनाम कमेंटेटरों को मिला है, हारने वाली टीम को मिला है, जीतने वाली टीम को मिला है, सबको मिला है, कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, और हर एक मैच में इनाम मिला है दोस्त। तो ये स्वर्गीय राजेंद्र नाथ राय एवं पंडित स्वर्गीय श्याम सुंदर मिस स्मृति टूर्नामेंट के ये सफल आयोजन का ये करिश्मा है। इस कमेटी के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्त, एक ही दिन है, कितनी बार जीतोगे, एक ही दिन है दोस्त, और कितनी बार जीतेगी जीतेगी ये कमेटी। और फिर वहां पे बड़ा प्यारा खेल चला है दो टीम के बीच, और फिर कसा वहां पे किया, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं, तेज प्रहार जरूर किया, मानसी ने संभाल लिया, और हल्का सा और ये थर्ड लाइन का जरूर करना चाह, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये सर्विस ये सिंहासन साहब सिंहासन ये ₹200 के नाम हारने वाली टीम का आया दोस्त, इसको आप कितने पास रख ले तो बड़ा बेहतर होगा। 11 और 9 का स्कोर, अंपायर के विसिल का इंतजार है प्लीज, अंपायर की विसिल। तो दोस्त ये अच्छा मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, और ये दिलकश नजारा हरियाणा और मुजफ्फरनगर के बीच ये चलता हुआ ये मुझे बहुत प्यारे अंदाज में 10 और 11 हरियाणा, और बड़ी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि मुकाबला चल रहा है। फिर वहां पर अच्छा ब्लॉक किया गया करण के द्वारा, 11 बराबर, दो टीम का स्कोर बराबर। और ये निजी पॉइंट सर्विसमैन हरियाणा हरियाणा मुजफ्फरनगर 11, और ये हिमांशु प्लेस में फ्रंट लाइन का बेहतरीन प्रहार किया, हिमांशु मुजफ्फरनगर टीम एक पॉइंट जरूर पिछड़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां पे अभी वो पलटा वार करना जानता है। अंपायर की विसिल सही तरीके से, और 12 बराबर, दोनों टीम का स्कोर बराबर यहां पे है, दोनों टीम का स्कोर यहां पे बराबर है। यहां भी आगे हल्का सा, लेकिन वहां पे देखते रहेंगे 12 बराबर का स्कोर यहां पे है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, दर्शकों का जो हुजूम है, एक आवाज होनी चाहिए,
एक हासिल उल्लास होना चाहिए, मैच में जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, दर्शक खामोश नजर आ रहे हैं। यहाँ दर्शकों का हुजूम है जिस तरीके का और जिस तरीके का गेम नजर आ रहा है, यहाँ कम से कम तालियां और उत्साह ये खिलाड़ियों के लिए होता है। किसी गेम में ताली और ससुराल में गाली ये जरूरी होता है। अगर ससुराल में आप गए हैं और खाना खाते समय अगर वहाँ गाली न हो तो उसका कोई मायने नहीं होता है। वैसे ही कोई भी गेम हो उसमें ताली बहुत जरूरी होती है। तो दर्शक का हरियाणा के बीच चलता हुआ और अच्छी गेम वहां पर नजर आ रही है। दोनों ही खिलाड़ी इस समय नजर आ रहे हैं और सर्विस चेंज मुजफ्फरनगर के हरियाणा भर और ये सेमीफाइनल की दौड़ चल रही है। कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार और पुलिस की मार जिंदगी भर याद रहती है। अगर यहां से आप हारते हैं तो हताश निराश इस ग्राउंड से चले जाते हैं और बड़े ही देर से हमारी स्कोर जो पहली निगाह है अपनी जमाए हुए हैं। मैं उनके लिए ही वसीम मकरम बहुत बड़ा नाम है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ सर्विस चेंज के बीच में मैच काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हरियाणा वर्सेज मुजफ्फरनगर के लिए और इस बार सैनिक का पहला जवाब सैनिक अपने टीम को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं और कर जो शाह का खिलाड़ी है बिल्कुल ब्लॉक के लिए तैयार रहते हैं। 13 और 14 और सभी यहाँ खराब हो नजर आ रही है और अब यहाँ 5 नंबर जर्सी का जो खिलाड़ी है मुजफ्फरनगर का ये गेम ही नहीं बल्कि सबका दिल जीत रहा है। होगा तो बाल की सर्विस इस समय खिलाड़ी का अच्छा गया मुजफ्फरनगर की तरफ से और इस तरह से आगे के हाल सुनाएंगे मुजीबुर रहमान जी जो हमारे खरीदा से नगर में काम कर लिया है। एक और फिर दोनों टीमें आपके सामने